सर ब्रजराज महोत्सव होने वाला है और कल इसकी शुरुआत हो रही जी है। सरकार लोकल फॉर वोकल के बढ़ावे की बात करती है, जी लेकिन ब्रज की संस्कृति की बात कर रही है, लेकिन उसमें जो 40 टीवी कलाकार हैं वो प्रस्तुति देने आ रहे हैं, जी क्या मानना है? वो ब्रज रज उत्सव नहीं है, ना उसमें ब्रज है ना ब्रज की रज है। उसमें रज है तो मुंबई की है, फिल्मी कलाकारों की है। हमारी ब्रज की संस्कृति इतनी अधिक समृद्ध है कि यहाँ के कलाकार, यहाँ की संस्कृति पूरे देश में नहीं विदेशों तक जाती है। रासलीला मंडली चेन्नई में भी जाकर कार्यक्रम करती हैं तो वहाँ पर समझा जाता है कि कृष्ण ये कह रहे हैं, यशोदा ये सुन रही हैं। ब्रजभाषा वहाँ समझ ली जाती है, पूरे देश में समझी जाती है। तो ऐसी समृद्ध भाषा, समृद्ध संस्कृति जहाँ की हो, जो देश में जाती हो, विदेश में जाती हो, वहाँ के कलाकारों के कार्यक्रम ना होकर और कार्यक्रम हो मुंबई के, तो फिर वो ब्रज रज उत्सव नहीं रहा, वो फिल्मी उत्सव हो गया। वो हो रहा है और उसका कारण है, देखिए इस संस्था का नाम है ब्रज तीर्थ विकास परिषद। तो पहले तो इसमें ब्रज होना चाहिए। ब्रज का अर्थ ये है कि ब्रज भाषा हो, ब्रज के लोकगीत हों, ब्रज की लोक कथाएँ हों, ब्रज की लोक संस्कृति हो। और ब्रज की लोक संस्कृति इतनी समृद्ध है कि आप 10 दिन क्या 10 साल काम होता रहे, कार्यक्रम होते रहें, तो ये नहीं होगा कि अब कार्यक्रम की इति हो गई, चलते रहेंगे। रज रज तो तब हो जब कि आप बरसाने की गलियों में घूमें, नंदगांव की गलियों में, रमण रीति की गलियों में घूमें, तो आपको रज लगेगी उस मंच पर। और वहाँ की जो जहाँ लोग दर्शक और श्रोता बैठेंगे वहाँ कहाँ है रज, तो न ब्रज है न रज है। और रज का अर्थ ये माने संस्कृति, तो संस्कृति नहीं है। जब फिल्मी कलाकार आ रहे हैं तो उनका ब्रज से क्या संबंध, उन कलाकारों का दोष नहीं है। आप जो भी उन्हें बुलाएगा वो जाएंगे, मंचन करेंगे। दोष है उनका जो आयोजक हैं, और उन आयोजकों को कौन बतावे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद में विधायक नहीं है, एक भी विधायक नहीं है। विधायक का अर्थ है जो अपने क्षेत्र की जानकारी रखता हो, वही तो बता पाएगा कि मेरे ब्रज में ये स्थान है। कार्यक्रम होता सिपाहीरा गीत हैं, साखी गीत हैं और अलगोजा वादन है। अब इनमें से किसी ने अलगोजा का नाम नहीं सुना होगा। जब गाय चराते थे कृष्ण तो सिपाहीरा गाते थे, अलगोजा बजाते थे, वो प्रदर्शित करते। जो कुछ अब तक यहाँ भी प्रदर्शित नहीं हो रहा उसको खोज कर लाना चाहिए। अब चरकुला नृत्य आप कितनी बार दिखाएंगे, सैकड़ों बार लोग देख चुके हैं। चाँचर नृत्य हमारा प्राचीन, उसका यूँ कहेंगे हमने तो साहब नाम भी ना सुना जाको, तो अब सुनोगे कैसे? सुनोगे तो तब जब ब्रज में घूमोगे, ब्रज की होगे। तो बहुत अति हो रही है, करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं और कोई भी कौन सुने। योगी जी इसके अध्यक्ष हैं, उनसे शिकायत करोगे तो वो अपनी शिकायत क्यों सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में महाभारत का मंचन होगा, जी किस नज़रिए से देखते हैं? महाभारत के मंचन को यहाँ कराने का कोई वो नहीं है, ये तो रस की भूमि है। महाभारत का मंचन कराइए तो कुरुक्षेत्र में कराइए, वहाँ के लिए उपयुक्त है। यहाँ तो विशुद्ध रस साम्राज्ञी राधा और रसराज कृष्ण के कार्यक्रम होने चाहिए।